हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसका नाम है ए टू जेड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ए टू जेड ऑफ इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप कंप्लीट ग्रामर सीखने वाले हैं जो कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए होने वाली है, बहुत यूजफुल। तो हमने कुछ बातों को ध्यान में रखा है, सबसे पहले कि आपका जो ऑर्डर हो वो मटेरियल हो, वो इंटरेस्टिंग हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे। दूसरा, आपकी यूजफुलनेस ऑफ द मटेरियल को ध्यान में रखा है कि आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका मटेरियल जो हम आपको करवा रहे हैं वो कितना यूजफुल है। और तीसरी बात, सिंप्लिसिटी, क्योंकि आप सिंपल चीज़ें पहले करना चाहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। और उसके बाद कॉम्प्रहेंसिबिलिटी को हमने ध्यान में रखा है कि आप चीज़ों को जो आसानी से समझ पाते हैं उन्हें हम पहले ऑर्डर पर रखेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बाद में लेके जाएंगे। तो आप अपनी जर्नी के लिए तैयार होंगे, अपना लगेज पैक कर लीजिए और ए टू जेड की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन की अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं एट, ऑन और इन से, और वो भी टाइम के रेफरेंस से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, आपकी यूजफुलनेस को ध्यान में रखेंगे, सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखेंगे और कॉम्प्रहेंसिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। तो एट, ऑन और इन टाइम के रेफरेंस से हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस और कुछ पिक्चर्स के थ्रू इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ सेंटेंसेज यहाँ देखते हैं हम। ये पहला सेंटेंस है, यहाँ लिखा है दे अराइव्ड एट 5 o'clock, दे अराइव्ड एट 5 o'clock। और दूसरा सेंटेंस लिखा है दे अराइव्ड ऑन ट्यूजडे, दे अराइव्ड ऑन ट्यूजडे। और तीसरा सेंटेंस जो है उसमें लिखा है दे अराइव्ड इन मे या फिर इन 2020। तो तीनों ही सेंटेंसेज में हमने अलग अलग प्रपोजिशंस यूज़ किए हैं, कहीं एट, कहीं ऑन, तो कहीं इन। अगर हम पहले सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ दे रखा है 5 o'clock, यानी कि क्लॉक टाइम दे रखा है और क्लॉक टाइम के लिए हमने लगाया है एट। और दूसरा सेंटेंस जो देखते हैं यहाँ लिखा है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के लिए हमने लगाया है ऑन, यानी कि हम डेज के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, डेट्स के लिए भी हम ऑन लगाते हैं। और तीसरा जो है इन मे या फिर इन 2020, इसका मतलब हम मंथ्स के लिए या फिर ईयर्स के लिए हम लगाते हैं इन। तो हम आगे कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ कुछ यहाँ दे रखा है कि एट फॉर द टाइम ऑफ डे, कुछ पर्टिकुलर जो टाइम होता है डे का, जो एक फिक्स टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके लिए हम लगाते हैं एट। देखिए 5 o'clock, इट इज़ द पर्टिकुलर टाइम, मिडनाइट, लंच टाइम या फिर सनसेट, ये डे के कुछ पर्टिकुलर टाइम्स हैं जिनके साथ हम लगाते हैं एट। और आगे देखें हम एट का यूज़, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी हैं जिनके साथ हम करते हैं क्योंकि ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइम्स हैं, जैसे एट नाइट है, एट द वीकेंड है, या फिर एट क्रिसमस है, एट दिवाली है, एट द मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, एट द सेम टाइम है। तो ये थे कुछ एट के साथ यूज़ होने वाले एक्सप्रेशंस। तो हम आगे देखें और यहाँ ऑन के बात करते हैं। ऑन जो है फॉर डेज एंड डेट्स के लिए, देखिए आप ऑन वेंसडे, ऑन 25th मे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माय बर्थडे, ये सभी डेज के लिए या डेट्स के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। सबसे पहला देखिए आप वेंसडे, हम इसका प्रोनंसिएशन करेंगे वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलना है, दिस इज वेंसडे। तो ऑन वेंसडे, कुछ प्रोनंसिएशन भी हम धीरे धीरे साथ साथ में सीखते चले जाएंगे। तो ये है ऑन वेंसडे, ऑन 25th मे, ऑन क्रिसमस डे या फिर ऑन माय बर्थडे, तो डेज एंड डेट्स के लिए आप यूज़ करेंगे ऑन। तीसरी बात हम देखते हैं इन, इन का यूज़ कहाँ हो रहा है, इन का यूज़ हो रहा है मे के साथ, 2021 के साथ, या द पास्ट, द फ्यूचर, समर, विंटर, इन सब के साथ हम लगा रहे हैं इन। इसका मतलब इन लगता है लॉन्गर पीरियड्स के लिए, तो लॉन्गर पीरियड्स आप देख सकते हैं यहाँ, मे एक मंथ है, लॉन्गर पीरियड है, 2021 कंप्लीट ईयर है, उसके लिए हम इन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर द पास्ट है, द फ्यूचर है, विंटर है, समर है, इन सब के लिए जो लॉन्गर पीरियड्स हैं उनके लिए हम लगाते हैं इन। यहाँ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी अगर मैं इसे कंप्लीट
वापस देखता हूँ तो एट यूज़ हो रहा है 5 o'clock, midnight, lunch time, sunset यानी कि पर्टिकुलर टाइम्स के साथ। और अगर हम ऑन की बात करते हैं तो डेज एंड डेट्स के साथ यूज़ हो रहा है ऑन। और अगर इन की बात करता हूँ तो लॉन्गर पीरियड्स के साथ इनका यूज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए कुछ नई चीज़ें हम लोग करते हैं। अब आपको पता है मॉर्निंग है, इवनिंग है या आफ्टरनून है, ये पार्ट्स ऑफ द डे है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डे। और इन डे के पार्ट्स के साथ हम जनरली लगाते हैं इन, जनरली हम यूज़ करते हैं इनके साथ इन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। जैसे मैं कहूँ कि आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, तो यहाँ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून है। लेकिन अगर मैं किसी दिन या किसी डेट की मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करूँगा तब मैं इन नहीं लगाऊंगा, वहाँ लगेगा ऑन। जैसे आप पहला ये फ्रेज देख सकते हैं, ऑन मंडे मॉर्निंग, यहाँ इन मंडे मॉर्निंग नहीं लगा सकते क्योंकि मैं पर्टिकुलर डे या डेट की किसी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा। जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन संडे आफ्टरनून, ऑन थर्सडे इवनिंग, ऑन द इवनिंग ऑफ 15th August, ऑन द इवनिंग ऑफ 15th August। तो आपने देखा कि अगर मैं पर्टिकुलर डे या डेट की मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून की बात करता हूँ तो वहाँ लगाएंगे ऑन। और ये आपका सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो आपके कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इधर कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, इन पे भी हम नज़र डालते हैं। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, जब मैं कहता हूँ आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ ऑन का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसका एक रीज़न है और वो रीज़न क्या है हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये तीनों सेंटेंसेस और पढ़ लेते हैं। दे गॉट मैरिड ऑन लास्ट मंथ, ही कम्स हियर ऑन एवरी सैटरडे, आई विल मीट यू ऑन दिस मंथ। आप देखें यहाँ फ्राइडे है, ये डे है, हाँ बिल्कुल सही है कि हम डेज के साथ ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ फ्राइडे जो है वो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है मतलब इससे पहले कुछ और वर्ड लगा है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे नेक्स्ट फ्राइडे, अगर मैं यहाँ देखता हूँ मार्च है तो मार्च को भी मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड लास्ट, और यहाँ सैटरडे एवरी जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, और मंथ यहाँ दिस इसको मॉडिफाई कर रहा है। जब आपको कोई भी यहाँ डे मिलता है या मंथ मिलता है या फिर कोई भी आपको ईयर मिलता है और अगर वहाँ पर क्या लगा हो वो मॉडिफाइड हो, उससे पहले कोई वर्ड लगा हो जो उसको मॉडिफाई कर रहा हो, उस दौरान हम कहीं भी ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस यहाँ क्या होगा, आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, दे गॉट मैरिड लास्ट मंथ, लास्ट मार्च सॉरी, ही कम्स हियर एवरी सैटरडे, ही कम्स हियर एवरी सैटरडे। या फिर अगला सेंटेंस देखें, आई विल मीट यू दिस मंथ, ऑन दिस मंथ जो है वो नहीं होगा। तो आपको एक बात और समझ आई कि जहाँ भी आपके मंथ है या आपका डे है वो मॉडिफाइड होता है तब हम कहीं भी ऑन का यूज़ नहीं करते हैं या किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ आपकी स्किल को जितना भी हमने किया है एक बार चेक करते हैं कि कितना आपको समझ आया है, क्योंकि आपका टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ She will come here dash Monday। बहुत ईजी है आपके लिए कि यहाँ डे है और डे के साथ आप क्या लगाएंगे, आपको पता है डे के साथ आप ऑन का यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल सही है। डे है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इसके साथ आप क्या लगाते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं और यहाँ आपने ऑन लगाया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई विल गो टू स्कूल डैश द मॉर्निंग, और यहाँ हम देखें आई विल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग आएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ भी की है कि मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून के साथ आप इनका यूज़ करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है, ही वोक अप डैश मिडनाइट,
यहाँ मिडनाइट है और मिडनाइट के लिए आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम है, तो हम लगाएंगे यहाँ एट। और हम आगे बढ़े, ये दो और सेंटेंसेस हैं, ये देखें यहाँ लिखा है नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे है आपका मंडे, यहाँ मॉडिफाइड है। और आपको पता है कि जब भी आपका कोई भी डे या मंथ मॉडिफाइड होता है उसके लिए हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, तो ना तो यहाँ एट आएगा, ना इन, ना ऑन, यहाँ कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ हम नहीं करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल यूज टू डू दिस डैश द पास्ट, और आपको पता है कि द पास्ट है तो इसके लिए पास्ट है या फिर आपका कोई भी लॉन्गर पीरियड है उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे इन, तो पीपल यूज्ड टू डू दिस इन द पास्ट। तो ये आपका यूज था एट, ऑन और इन का। और कुछ इसमें हमने आपकी स्किल को चेक किया, कुछ और क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे हम पूछते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप ट्राई करें आंसर देने की। वी विल डू दिस वर्क डैश ऑन एवरी संडे, एट एवरी संडे, इन एवरी संडे और एवरी संडे, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। आप देखें कि जितने भी संडे यहाँ लिखा है, ये संडे 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 लिखा है और सभी में क्या है, ये संडे मॉडिफाइड है, सभी में मॉडिफाइड है। और आपको पता है जब आपका डे मॉडिफाइड होता है तब हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। आपने अपना गेस कर लिया होगा और देखें कि सही आंसर क्या है। जो मैंने सोचा है वो सोचा है नंबर फोर, और आपने कौन सा सोचा है वो चेक करिए, क्योंकि मेरा आंसर नंबर फोर है, आपका भी अगर फोर है तो इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का कंपिटिटिव एग्जाम में जो आता है वो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। और ये क्वेश्चन है, शी विल परफॉर्म दिस डैश ऑफ 20th August, डैश ऑफ 20th August, और दे रखा है इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर अगर मैं डे की या पर्टिकुलर डेट की मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करता हूँ तो क्या आता है, वहाँ ऑन का यूज़ होता है। तो यहाँ देखें हम कौन से ऑप्शन में ऑन है, थर्ड ऑप्शन में ऑन है, तो मेरे हिसाब से ये ऑन द मॉर्निंग होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है, ऑन द मॉर्निंग है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आपका एट, ऑन और इन का कुछ कॉन्सेप्ट्स, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपने किए और आपको समझ भी आया होगा। तो अब हम अपनी इसी सीरीज़ में दूसरे एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक कौन सा है अभी हम देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एट द एंड और इन द एंड, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ दो फ्रेजेस लिखे हुए हैं, वो है एट द एंड ऑफ द मंथ और दूसरा लिखा है एट द एंड ऑफ द मैच। आप देखें एट द एंड के बाद ऑफ लगा हुआ है, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मैच। तो यहाँ जब मैं कहता हूँ एट द एंड तो मैं ऑव लगाता हूँ, जैसे एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मैच या फिर एट द एंड ऑफ द गेम। लेकिन जब मैं इन द एंड की बात करता हूँ तो वहाँ ऑव का यूज़ नहीं होता है। आप यहाँ सेंटेंस देखें, इन द एंड वी वन द मैच, और यहाँ इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, तो फाइनली वी वन द मैच। लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इन द एंड के बाद आप ओव का यूज नहीं करेंगे, एट द एंड ओव समथिंग है और इन द एंड के बाद कहीं भी ओव का यूज नहीं होता है, और इन द एंड का मतलब है फाइनली। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं, आपको समझ आ गई होगी ये बात। तो पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी दिस चैप्टर डैश ऑफ द बुक, और आपको यहां मिल रहा है ऑफ द बुक। तो आपको पता है यहाँ ओव लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एट द एंड ही होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द बुक। तो यहाँ एट द एंड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ ओव लिखा हुआ है इसलिए हमने लिखा एट द एंड ऑफ द बुक। दूसरा सेंटेंस जो है, दे बिकेम फ्रेंड्स, यहाँ कहीं भी ओव का यूज़ नज़र नहीं आ रहा है आपको,
तो निश्चित रूप से आप क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे आप इन द एंड लगाने वाले हैं। तो यहाँ आप क्या लगाने वाले हैं, इन द एंड लगाने वाले हैं, क्योंकि इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, और यहाँ आपने लिखा इन द एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, यानी फाइनली दे बिकेम फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है द प्राइजेज वर गिवन डैश ऑफ द फंक्शन, फिर से ऑफ द फंक्शन है और जहाँ ऑफ का यूज़ है वहाँ एट द एंड लगाना है हमें, तो यहाँ आप लगाएंगे एट द एंड ऑफ द फंक्शन, एट द एंड ऑफ द फंक्शन। आपको ये बात समझ आई होगी। तो कुछ कंपेटिटिव एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, दे गॉट टायर्ड इन द एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ द गेम, एट द एंड ऑफ द गेम, एट फर्स्ट ऑफ द गेम, इन द एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ द गेम, एट द एंड ऑफ द गेम, एट फर्स्ट ऑफ द गेम। आपको पता है कि यहाँ इन द एंड ऑफ यूज गलत है, क्योंकि इन द एंड के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ देखते हैं हम तीसरे ऑप्शन में एट द एंड ऑफ दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए एट द एंड ऑफ द गेम, और हम इसे चेक करते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं। बिल्कुल सही, एट द एंड ऑफ द गेम बिल्कुल सही है। तो आपको एट द एंड और इन द एंड का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अब हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है अफ्रेड टू एंड अफ्रेड ऑफ। हमने अफ्रेड ऑफ बहुत बार सुना है, लेकिन अफ्रेड टू एक हो सकता है कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट हो, तो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे इसका रूल भी बताऊंगा। तो पहले आप अपने आप रूल बनाने की कोशिश करें, समझें और अपना रूल बनाएं। ही वॉज अफ्रेड टू जम्प फ्रॉम देयर, He was afraid to jump from there. और दूसरा sentence है The little birds were afraid to fly. The little birds were afraid to fly. देखिए इन दोनों ही sentences में जो डर है वो कुछ करने का है, कुछ करने का। अगर मैं पहला sentence देखता हूँ, इसमें लिखा है He was afraid to jump from there. He was afraid to jump from there. तो वो डर रहा था, वो कुछ करने से डर रहा था, वो जंप करने से डर रहा था। एंड द लिटिल बर्ड्स वर अफ्रेड टू फ्लाई, और वो लिटिल बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, वो उड़ने से डर रहे थे। तो जब हम कुछ करने से डरते हैं, कुछ करने से, दैट इज इन अवर कंट्रोल, जब हम कुछ करने से डरते हैं तब हम लगाते हैं टू का यूज, और टू के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देखें यहाँ टू फ्लाई और यहाँ लिखा है टू जंप, तो टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ टू जंप एंड देन टू फ्लाई, ही वॉज अफ्रेड टू जंप फ्रॉम देयर, द लिटिल बर्ड्स वर अफ्रेड टू फ्लाई, इसका मतलब वो कुछ काम करने से डर रहे थे। जब हम कुछ करने से डरते हैं तब हम अफ्रेड टू लगाते हैं, एंड देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरीके से ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, और दूसरा है ही इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन। ये आप किसी से डरते हैं या किसी के चीज के, किसी भी एक्शन के होने से डरते हैं, या तो किसी से डरते हैं या फिर कुछ होने से डरते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं ऑफ का यूज। तो हम यहां देखते हैं ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, तो यहाँ अफ्रेड टू नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ करने से नहीं डर रहे, हम किसी से डर रहे हैं, तब हम क्या लगाएंगे अफ्रेड ऑफ, और ये कुछ होने से डरना दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ ऑफ का यूज करेंगे, ही इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन, और यहाँ पे अगर वर्ब है तो आई एन जी फॉर्म भी आ जाएगी। तो जब हम कुछ करने से डरते हैं दैट इज अफ्रेड टू डू समथिंग, और कुछ होने से डरते हैं तो अफ्रेड ऑफ हैपनिंग समथिंग, या हम किसी से डरते हैं तो अफ्रेड ऑफ समथिंग कहते हैं। तो कुछ हम यहाँ क्वेश्चंस को करके देखते हैं, शी इज डैश डॉग्स, तो हम यहाँ किसी से डर रहे हैं, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ शी इज अफ्रेड ऑफ, यहाँ अफ्रेड ऑफ लगेगा, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। और दूसरा जो सेंटेंस है द बॉय वॉज डैश फॉलिंग डाउन,
वो गिरने से डर रहा था, दैट वॉज नॉट इन हिज कंट्रोल, वो उसके कंट्रोल में नहीं था, वो कुछ हैपनिंग से डर रहा था। तो हम यहाँ लगाएंगे अफ्रेड ऑफ, अगेन यहाँ लगेगा अफ्रेड ऑफ। और तीसरा सेंटेंस है राज वॉज डैश टू जंप फ्रॉम देयर, तो वो कुछ करने से डर रहा था, राज वॉज अफ्रेड टू जंप फ्रॉम देयर। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अफ्रेड टू जंप फ्रॉम देयर, आपको समझ आएगा। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन, राज वॉज अफ्रेड टू जंप फ्रॉम देयर। अब यहाँ इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, ही इज अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ही इज अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को तो सोल्व करने से वो डर रहा है, ही इज अफ्रेड, प्रॉब्लम को सोल्व करने से डर रहा है, मीन्स उसके कंट्रोल में है। और जब कुछ करने से डरते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अफ्रेड टू, और अफ्रेड टू के बाद वह फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ अगर हम देखें तो कौन सा सही ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, अफ्रेड टू यहाँ है, अफ्रेड टू यहाँ है, लेकिन यहाँ टू के बाद यहाँ आई एन जी फॉर्म है और यहाँ पे वह फर्स्ट फॉर्म है। तो मेरा मानना है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, चलो हम पूछ लेते हैं। यही बिल्कुल सही, अफ्रेड टू सोल्व जो है बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास में हमने तीन टॉपिक्स किए, एट, ऑन, इन, और फिर किया हमने एट द एंड, इन द एंड का यूज़, और फिर उसके बाद हमने यूज़ किया है अफ्रेड टू एंड अफ्रेड ओ। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो इंतज़ार कीजिए आप डे टू का, जिसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें, बहुत से टॉपिक्स करने वाले हैं और बहुत से क्वेश्चंस भी आप सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।